दादी जी, गौरव और शिल्पा लड़ रहे हैं। उधर गया वो, हटो। सारे प्लान का नाश इसमें हमारा। हाय हाय, देख लो। हेलो गाइस, ये देखो मेरे पति को जो कि मुंह सड़ा के बैठा है, बीवी को छोड़ लैपटॉप में आंखें गड़ाए बैठा है। ओ बुबू, मैंने राइम किया। शाबाश बेटा, ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, पैर दबाओ। तो तुम्हारी हरकतें एडिटिंग कर रहा हूँ, पैर दबाओ चुपचाप से। प्यार से बात कर लो। एडिटिंग कर रहा हूँ, पैर दबाओ चुपचाप से। थोड़ी और प्यार से। इससे ज्यादा प्यार से नहीं। ये देखिए गाइस, किस तरीके से मुझे पटाया जा रहा है मेरे मुंह पे गोबर लगा के। एक्चुअली गोबर नहीं है, हनी प्लस क्या, हल्दी प्लस नींबू। पर्क्स ऑफ गेटिंग मैरिड, आपका ध्यान मस्त तरीके से रखा जाता है। पटिया सिर्फ पतियों का ध्यान रखा जाता है, पति बीवी का ध्यान नहीं। शिल्पा के स्टाइल में। सी यू गाइस नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज अप क्रेजीज, वेलकम बैक टू द चैनल। लो ऑन एनर्जी बिकॉज टाइम देखो अभी क्या हो रहा है, 8:30। आज मेरे पास बहुत सारे काम भी है और एनर्जी कम होने का सीन इसलिए भी है बिकॉज कल की जो न्यूज जो थी बहुत ही खतरनाक, डेंजरस, सैडेंड वाली थी। रिप टू दी सिद्धू मूसेवाला, वेरी ग्रेट आर्टिस्ट। आई मीन पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को तो काफी बड़ा लॉस हुआ है। अगर मैं पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में किसी के गाने सुनता था, वो वन ऑफ दी पर्सन थे। या कुछ भी हो रहा नहीं हमारे इंडिया में, कोई भी कहीं से भी मार के किसी को भी चला जाता है, बच के निकल जाता है। अब बोलो क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ वो सोल्जर वाली न्यूज़। हाँ गाइस, क्या हो रहा है? ये कल दो दो इतनी सैड न्यूज मतलब मिली है ना। भगवान जी उनकी फैमिलीज को बहुत सारी शक्ति दे ऐसी मुश्किल घड़ी निकालने के लिए। लाइफ शुड गो ऑन। अभी आज का मेरा सबसे पहला टास्क है अपनी गाड़ी को सर्विस कराना। अबे उठ जाओ ना, सुबह सुबह लैपटॉप में लगती है। और अभी मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हूँ कि मुझे पहले जिम जाना चाहिए या फिर अपनी गाड़ी की सर्विस कराना चाहिए। क्यों, बाहर ऐसी धूप होगी तो किसका मन करेगा? लास्ट टू लास्ट वीक मैं अरुण पवार, इस बार मैंने सही प्रोनाउंस किया है, मैं उनसे भी मिला। आप पहले वो वाली क्लिप देखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनली वो टाइम आ गया है जो मैंने आपको वीडियो में बताया था बहुत पहले कि अपन एक अच्छे चैनल से रिव्यू करवाने वाले हैं। इसका खत्म, टाटा बाय बाय मीट। हेलो भाई, बोलते नहीं कुछ, कैसे बोलते हैं और क्या। इनका भी अपना चैनल है, अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस है, तो आप इनके चैनल पे रिव्यू जाके देख सकते हो। मेरे पे नहीं आएगा ये, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें नूब हूँ, मेरे से नहीं होता है। होपफुली आपने रिव्यू तो देख लिया होगा उनके चैनल पे। एंड आई एम रियली रियली सॉरी अरुण भाई, मेरे को सच्चे में नहीं पता था कि आपके पास किया की गाड़ी है। Yes, आज वो फाइनली दिन आ चुका है जब मैं अपनी गाड़ी की सर्विस, पहली सर्विस करवाने वाला हूँ। गाड़ी चल चुके 1028 जो अभी जाते जाते 20 किलोमीटर और ऐड कर लो। यस, इतनी दूर है मेरा सर्विस सेंटर, तो करवाते हैं सर्विस, फिर मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, कितना टाइम लगा, कैसा उन्होंने सर्विस किया, एवरीथिंग। ऑलराइट, आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल आई हैव मेड इट टू सर्विस सेंटर। सर्विस, हाँ जी, यही ऐसी लगा दूं। थैंक यू भैया जी। 9 बजे एग्जैक्ट मैं आ चुका हूँ, जो जो मैंने सुना है वो सब सच ना हो। गुड मॉर्निंग, क्या मन है गाड़ी में? पहली सर्विस है। One hour later. I am quite impressed. कोई पेड पार्टनरशिप, स्पॉन्सरशिप कुछ नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का टाटा के साथ बहुत अच्छा रहा है। 1.5 घंटे में मुझे गाड़ी मिल गई। मे बी पहली सर्विस है, शायद जल्दी हो जाती है इसलिए। और ये तो है कुछ बेल जिसमें मुझे सिर्फ पे करना पड़ा है, ओनली फॉर अंडर बॉडी एंटी रस्ट ट्रीटमेंट एंड एंटी रस्ट कोटिंग। वो आप देखो, black, एक black, तो ये ब्लैक ब्लैक ये है, ये सभी तरफ ही है। अच्छा, गाड़ी के नीचे भी है। टोटल 2596 की वो एंटी रस्ट कोटिंग थी, वो थी, टोटल बिल इतना ही है। सर्विस एडवाइजर शादान वाज वेरी नाइस टू मी। मैं बता रहा हूँ ना, जितना मैंने सुना है ना टाटा की सर्विस के बारे में, जब मैं ले रहा था, जब मेरी धक धक भी हो रही थी, उस हिसाब से 10 में से मैं 100 दूंगा। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद टाटा सर्विस, थैंक यू सो मच। होपफुली आगे भी हमारा ऐसे ही पार्टनरशिप हमेशा बनी रहे। अब बस इसमें मुझे एडवाइस करो गाइस कि मुझे, मैंने वैसे शादान से भी पूछा तो ही वाज लाइक कि पीपीएफ लोग करवाते हैं, आप पीपीएफ करवा लो, बट आप लोग एडवाइस करो कि मुझे में पीपीएफ करवाना चाहिए या फिर कोटिंग करवानी चाहिए, वो जो सेरेमिक एंड वो क्या क्या दुनिया भर की जो फलाना ढिमकाना कोटिंग होती है, बताओ। अभी सीधा घर पहुंचते, बहुत गर्मी है। गुस्सा ना कम किया करो, तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है। तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा? हमेशा आंखें बड़ा करके रहती है। निकल यहां से, जा रहे हैं जिम हम तुम्हें छोड़ के, और अपना लैपटॉप यूज कर लो। हमेशा मेरा लैपटॉप लेके दिए नहीं दूंगा, हर चीज पहले के तुम खुद कमाओ खुद खाओ। हाँ, मैं कर लूंगी, तुम
मेरे पास और कोई काम नहीं है, मैं जिम जा रहा हूँ, सब्जी फ्रूट से नहीं जा रहा। तो वापसी पे आते टाइम आस पास मंडी नहीं है, मुझे नहीं पता वापसी पे क्या कैसे मर्जी लेकर आओ। शादी के बाद यही काम रह गया मेरा, सब्जी फ्रूट लेके आओ। बाय बाय। यार ये मेरे पैर का दर्द कब जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ तो मेरी नस खिंच गई है एंड वो चलने में दिक्कत हो रही है। आज अपन करेंगे चेस्ट और सही पंप हो गई है यार, क्या कहते हो गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन करें कभी। फिलहाल हर शादीशुदा मर्द का धर्म कर्तव्य सब्जी लेते हैं। ये लो भैया कर दो इसको। माल्टा कैसे भैया, सर्विस कर दो। ये मैं अपनी पतिव्रता निभाते हुए हर पति का कर्तव्य, बाहर निकलो चाहे किसी भी काम से रूट्स और सब्जी आनी चाहिए। ये लो पकड़ो इसको खा लो, सब खाओ अभी के अभी, इतनी गर्मी में मेरे को फ्रूट खरीदवाया तुमने। हाँ तो तुम नहीं लेके दोगे तो और कौन लेके देगा, किसी और को बुला ले आने के लिए, दूसरी शादी कर लो। अच्छा ठीक है। आप बता सकते हो कि अभी 5 बज रहे हैं, बाहर देखो रोशनी विद लॉट्स ऑफ ट्रैफिक, बहुत अच्छी बारिश हो रही है और फाइनली इसका ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर भी अच्छे से टेस्ट हो रहा है, बहुत तेजी से चल रहा था अभी रुक गया, अब धीरे हो गया, जैसे इसमें पानी ज्यादा पड़ता था। ये देखो रोबोट्स, ये जो मिट्टू ने अभी हरकत करी है ना, मिट्टू लिटरली आज गाड़ी साफ हुई है। साला ऐसा बारिश वगैरह उसी दिन की होती है जिस दिन आपने गाड़ी धुलाई हो या फिर कुछ कराओ। इट्स नेचर्स कॉल। बैठो गुड गर्ल, हाई फाइव करो, गुड, चलो कुछ नहीं मिलेगा। धोखा हो गया मिट्टू, मैं तेरी ऐसे कैसे नहीं देगी। ये तो है आजकल की सोसाइटी का हाल, कहां से तो टूट के गिरा है नो आइडिया, बट ये जो पानी वाली जो टंकी थी ना इसके ऊपर गिरा है, गाड़ी के ऊपर देख रहे होगे आप। सोचो इसके नीचे कोई होता, ये जितने मोटे मोटे पत्थर है ये वहाँ पर, वो दोनों खत्म था इंसान। हाँ। रे तेरी बस की नहीं है रोहन, देख मैं करूंगा, देख ये देख ये देख। नाउ यू डू। अरे रोहन नल्ला है तू, ये देख, इसे कहते हैं कैप्टन अमेरिका वाला कैच। ये देखो करा मैंने कैच। खैर गाइस मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था, लास्ट वीक मैंने व्लॉग करा है, जस्ट कि मैंने डाला नहीं वीडियोस बिकॉज आई वाज टायर्ड, क्योंकि मैं अगली वीडियो में बात करूंगा रिगार्डिंग दैट। तो उसमें मैं अपने ससुराल भी गया था जहाँ पर इशू का बर्थडे था और इशू के बर्थडे पे मैंने कुछ करना चाहा लाइक अ प्रैंक, तो आप पहले वो देखो, शायद मैंने टाइटल भी उस हिसाब से डाल दिया होगा। फिलहाल मैं ये खेलता हूँ। ये ले लिया गया है केक, एंड बिलीव मी गाइस ये बहुत ही पुराना एक्सपायर्ड केक है जिसको कोई नहीं खाने वाला। व्हाट टाइम इज, जब हम उनके पास गए हमने उनसे बोला कि सबसे पुराना केक आपके पास कौन सा है जो कि एक्सपायर्ड है और कोई खाने वाला नहीं है। इन शॉर्ट ये वेस्ट नहीं है, तो ये मत बोला कि वेस्ट कर दिया केक, कोई खाने भी नहीं वाला इसको, तो हम इसका प्रॉपर यूज कर रहे हैं। हमने इसमें से वेरीफाई कर लिया है कि इसमें कोई टूथपिक नहीं है। नहीं पक्का ना, जो भी है वेरीफाई करना था ना कि इसमें टूथपिक है कि नहीं। गौरव और इशू आ चुके हैं, लेट्स सेलिब्रेट इशू का बर्थडे। ये पढ़ने वाला इशू के मुंह पे ये घिया है। हाँ जी, हलवा जैसा लग रहा है, हलवे जैसा बनेगा ना, ये खीर बनेगी, ये हलवा। आज इशू का क्या प्लान है, बर्थडे में कुछ खिलाया भी नहीं अभी तक। केक किधर है, ये देख लो मम्मी, देख लो मम्मी, देख लो मम्मी, अब क्या खाना है तुमने, ये बता। ये क्या हुआ, व्हाट द एफ जस्ट हैपेंड, इस पे मारना था, ये गलत हो गया, ये देखना क्या, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। रन क्या हो गया, ये क्या हुआ अभी अभी, मेरे को कोई समझाएगा, रुक जा पहले मैं उसको पकड़ लूं। ये प्लान में था ही नहीं, पहले मेरे को बताओ ये प्लान में नहीं था। कैन यू एक्सप्लेन, तुम दोनों का क्या प्लान था। वो उधर कहाँ गया, उधर गया वो, हटो। समझ में आ रहा है तुम्हारे साथ अभी क्या हुआ है, मैं तुम्हारा ठीक है। ये तो धोखेबाजी हो गई फुल, ये तुम्हें दगा दे दिया गया है तुम्हारे भाई द्वारा। बताओ फोन गिरवा दिया तुमने अपना, दादी जी गौरव और ये शिल्पा लड़ रहे हैं, सारे प्लान का नाश मार दिया, सारे प्लान का नाश इसने मार। गौरव ये क्यों किया, पर जो भी किया अच्छा किया, बीवी की साइड ले रहे, कहीं ना कहीं मुझे भी मजा आया। तो ये था जो शिल्पा को पिछले वीक गौरव ने दिया था धोखा, तुम्हारी वजह से। एटलीस्ट कोई तो मेरी टीम में है।
ओके गाइस, होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डू द ड्रिल, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, शेयर करो। इस लड़के को मम्मी आप योद्धा हो ना, मम्मी आप योद्धा होती हो, मम्मी तुम तो होम मिनिस्टर हो, तुम क्यों मार रही हो मेरे को? प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। ट्रेल लाइफ रोहित को सब पीटो। विद दैट सेड, कोई कभी कुछ काम कर रहा होगा तो भी वो ही लगा रहा है, लगा रहा है। अभी ये चल ही रहा है कंटिन्यू। आप मुझे जान से मारना चाहती हो मम्मी? हाँ। फिर सारे प्रॉपर्टी का इसका एक रूम बनाते जिसमें लॉक लगाएंगे, खाना देंगे, लॉक खोल देंगे, फिर बंद कर देंगे। कंटेंट अच्छा है, नहीं है लिविंग इन रूम एक दिन के लिए ना इसको बंद कर। हाँ गाइस, किस किस को वो कंटेंट चाहिए और किस किस को ये भी जानना है कि वो हॉन्टेड होटल वाली कहानी सबको बतानी है, किस किस को जानना है कमेंट में जरूर बताना। विद अ सेट, हंसते रहो, हंसाते रहो, खुश बांटते रहो, फिर मिलेंगे, चलते चलते करो बूम बूम। इसी फेंको ना, फेंको ना, हाँ लो 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 लो, फेंको फेंको फेंको, ये लो। तेरी चड्डी दिख गई रोहन, तेरी ब्लू चड्डी, रोहन तेरी ब्लू चड्डी।